गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल. कैसा लग रहा है ये नया सेटअप और कैसी लग रही हूँ मैं? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. आई एम फीलिंग एक्चुअली सो गुड, नाइस, फ्रेश, एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव. सो उसी नोट पे शुरुआत करते हैं आज का वीडियो जो कि होने वाला है लाइक इट्स ऑल अबाउट नायका हॉल, नायका पिंक फ्राइडे सेल टू बी स्पेसिफिक. नाउ इफ यू गाइज आर वंडरिंग कि वाई वॉज नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन फॉर दिस नायका पिंक फ्राइडे सेल एंड वाई एम आई डूइंग दिस वीडियो दिस लेट, देर इज अ रीजन बिकॉज आई वॉज एक्चुअली बिजी प्लेसिंग माई ऑर्डर ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल. सो हेयर आर द स्क्रीन शॉट्स एंड ये वाले सारे प्रोडक्ट्स मैंने मेरे उस कार्ट में डाले थे, उस ऑर्डर में डाले थे एंड आई प्लेस द ऑर्डर क्योंकि उस पे हुडा ब्यूटी न्यूड नॉटी न्यूड पैलेट पे फ्लैट 50% ऑफ चल रहा था एंड समटाइम्स आई जस्ट डिडंट वांट इट टू कि यार लेट हो जाए, नहीं करना मेरे को. सो मैंने फर्स्ट डे ही ऑर्डर डाल दिया एंड सबसे वर्स्ट चीज़ मेरे साथ में क्या हुई, ये एक्चुअली मेरे साथ में पहली बार हुआ है. आई हैव डन कोलैबोरेशंस विद नायका बिफोर इन द पास्ट एंड आई विल बी डूइंग इन द फ्यूचर, बट दिस इज समथिंग मैं नहीं अपने आप को रोक सकती आप लोगों के साथ में शेयर करने से. सो बेसिकली आई प्लेस द ऑर्डर ऑन द वेरी फर्स्ट डे एंड आइडियली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार अब आ जाएगा, अब आ जाएगा. मैंने मेल्स भी लिखी उन लोगों को कि यार मेरा ऑर्डर कहाँ है, ठीक है. सो देर वॉज नो आंसर, दे वर लाइक कि यू नो डिलीवरी नहीं हो पा रही है. आई वॉज ऑल द टाइम अवेलेबल क्योंकि मैं उसी ऑर्डर का एक और पार्ट में ले चुकी हूँ. देन वॉट अबाउट द अदर प्रोडक्ट्स, तो वो नहीं आए थे मुझे. आई स्टार्टेड बीइंग, मतलब मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था कि यार इतने ऑफर्स बाद में नहीं मिलने वाले और जस्ट आई डिडंट वांट टू वेट. मैंने अगर ऑर्डर किए हैं तो मुझे वो चाहिए. आई डिड नॉट रिसीव दैट. अगर आपके साथ में ये चीज़ हो रखी है आई एम नॉट श्योर, बट मेरे साथ में ये चीज़ हुई है एंड एनोनमसली किसी के साथ में भी होती है, इट इज़ नॉट गुड. सो दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस यू नो हॉल विद यू. और मैंने वो वाले सेम प्रोडक्ट्स इसमें नहीं डाले बिकॉज एक छोटी सी होप थी कि यार वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, बट द आयरनी इज़ ईमेल पे मुझे रिप्लाई मिलता है कि वी विल कंपनसेट यू विद अ 200 रुपीज कूपन कोड एंड आई वॉज लाइक वाओ. अगर मैं वो प्रोडक्ट्स आज कार्ट में डालती हूँ विदाउट द सेल, उन प्रोडक्ट्स पे 5,000 से 7,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है. आई एम नॉट हैप्पी विद दिस एक्शन एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि नायका को हर एक कस्टमर को, चाहे वो पहले पे कर रहा है या फिर प्रीपेड है या पोस्ट पेड है, जिस भी तरीके का पेमेंट मोड चूज़ कर रहा है, उनको इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके ऑर्डर्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. दिस इज समथिंग आई नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम नायका, जस्ट दिस. एंड मैंने बता दिया है आपको कि क्यों लेट हो गई थी, तो चलो अब लेट हूँ लेकिन आ तो गई, सो इट्स लाइक देर आए बट दुरुस्त आए. सो चलो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी वॉट ऑल आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम नायका पिंक फ्राइडे सेल. बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड भी थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टॉक अप भी करी हैं बिकॉज यू हैव फेस्टिवल्स कमिंग इन द रो. एक और चीज़ देखो, दिस इज माई प्रोफेशन सो आई कीप बाइंग प्रोडक्ट्स, तभी मैं वेट करती हूँ इस तरीके की सेल्स का और तभी मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा था. बट इन केस आप हॉल वीडियोज़ को देख थोड़ा सा टेम्पटेशन आपको हो जाती है, प्रोडक्ट्स लेने की इच्छा करती है, नीड और विश में फ़र्क होता है. तो अगर आपको नीड है तो आप लो, और ऐसे वीडियोज़ देख के अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स ले लेते हो देन यू शुड कम्प्लीटली स्किप दिस वीडियो एट दिस पॉइंट, और नहीं तो फिर चलो वो शुरुआत करते हैं पहले प्रोडक्ट से कि मैंने नायका ड्यूरिंग नायका पिंक फ्राइडे सेल क्या क्या ऑर्डर किया था. फर्स्ट ऑर्डर का बहुत दुख है मुझे. सबसे पहले आई हैव दिस कोलगेट विजिबल वाइट इन दी वेरियंट पेपरमेंट स्पार्कल. इसको मैंने अभी तक खोला भी नहीं है, मैंने इसको स्टॉकअप किया है बिकॉज आई ऑलरेडी शेयर माई एक्सपीरियंस ऑन दिस कि कितना टीथ व्हाइटनिंग में ये हेल्प करता है एंड आई हैव विजिबली सीन रिजल्ट. सो लवली लवली प्रोडक्ट और इसी वॉर्म्थ आपको मिलती है जब आप इसको यूज करते हो ना, आई रियली लव दिस. ये 2 का पैक है लेकिन थोड़ा सा महंगा है जो मुझे लगता है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है. पर्सनल केयर की अगर मैं बात करूँ तो आई लव निव्या का मिल्क डिलाइट रोल ऑन, जो मिल्क वाले अभी नए वेरियंट में आया था, बट आई वॉन्ट ट्राई समथिंग डिफरेंट. सो मैंने लिया है नायका का वॉन्डरलस्ट मेडिटेरेनियन सी सॉल्ट रोल ऑन एंड दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसको अगर मैं समर्स में लेती तो मैं शायद और ज़्यादा अच्छा फील करती बिकॉज इट इज़ समथिंग क्वाइट नाइस और बहुत लंबी टाइम के लिए आपको फ्रेश रखने वाला है. आई लव द स्मेल ओवरऑल एंड क्वान्टिटी भी आपको बहुत मिल जाती है. लव द फ्रेग्रेंस बाय द वे. आई ऑल्सो हैव दिस बड़ों के लिए डाइपर सॉर्ट ऑफ अ पैंटी. दिस इज़ फ्रॉम विस्पर बिंदास नाइट्स पीरियड पैंटी. सरप्राइजिंगली ये बिल्कुल एक डाइपर की तरह लगती है बच्चों वाले एंड इट एक्चुअली गिव्स यू प्रोटेक्शन. आई एक्चुअली यूज वन पैकेट ऑफ इन द पास्ट एंड इनकेस यू आर वंडरिंग कि आपने तो मेंस्ट्रुअल कप ले लिया था बट स्विच कर लिया है, लेकिन नए नए प्रोडक्ट्स ट्राई करने से खुद को नहीं रोक सकते, राइट? वी हैव टू कीप ट्राइंग प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू रिकमेंड यू या फिर हमारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, राइट? और ये नाइट टाइम के लिए तो बहुत अच्छी है बिकॉज इट काइंड ऑफ कवर्स यू फ्रॉम ऑल साइड्स और लीकेज वगैरह का स्टेन का कोई इशू नहीं होता, विच आई रियली लाइक. और हैवी फ्लो के लिए बहुत ही बढ़िया है. सो फर्स्ट और सेकेंड डेज के लिए पक्का यूज़ कर सकते हो.
आई ऑल्सो पिक्ड अप दिस वैसलीन समर डेली ब्राइट एंड कामिंग बॉडी सिरम स्प्रे. इट वॉज क्वाइट न्यू टू मी. आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि क्या फॉर्मुलेशन है. अदरवाइज आई कीप रिसीविंग पी आर फ्रॉम वैसलीन. दिस टाइम नहीं आया था सो मुझे लगा यार ट्राई तो करना चाहिए. और अभी ये सीजन नहीं है इसको बाय करने का. सो आई विल ऑनेस्टली टेल यू इसको आप समर्स में ही लेना. और इसकी खुशबू अच्छी है. इट्स ऑल्सो वेरी लाइट वेट और इतना मॉइस्चर नहीं देता है. इसको बैलेंस करने के लिए आई ऑल्सो हैव दिस प्लम बॉडी लविंग बॉडी ऑयल इन द वेरियंट शेयर गॉट इट. इट कम्स इन दिस काइंड ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पैकेजिंग. आई ऑलरेडी हैव द वनीला वाइब्स और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. बहुत ज़्यादा आई लव दैट. और इसकी भी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है. इट लिटरली स्मेल्स एज इफ यू आर पासिंग बाई अ नाइस फैंसी बेकरी जहाँ पे वनीला और पता नहीं क्या क्या कुकीज और कप केक्स बन रहे हो. माई गॉड. एंड ऑल्सो इट इज ऑयल बट इट इज लाइट वेट और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है आपकी बॉडी पे. आई यूज देयर अदर ऑयल्स एज वेल तो मुझे इनका फॉर्मुलेशन बहुत पसंद है. सो आई रिसीव दिस प्लम ग्रीन टी रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल. सो ये मुझे इसके साथ में बिल्कुल फ्री मिला है. एंड आई लव दिस फ्री बी. माई गॉड. एक होप के साथ में मैंने एक और नया प्रोडक्ट ट्राई किया है मेरे डेड एंड्स को रिपेयर करने के लिए. बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लोग भी नोटिस कर रहे हो. सो आई हैव ऑर्डर दिस द बॉडी शॉप बनाना ट्रूली अमेजिंग हेयर मास्क. और इसकी खुशबू से मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट लग रहा है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे. सो आई वॉन्ट टू ट्राई दिस वन. एंड आई एम श्योर बॉडी शॉप की बनाना वाली जो हेयर केयर रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर रिपेयरिंग एंड डैमेज रिपेयर पर्पस. तो आई एम श्योर मेरा भी एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है. सो फार अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है. I also picked up this M-Caffeine Naked and Raw Coffee Hand Cream. If in case you are watching me since like 2-3 years for now, इसकी हैंड क्रीम मेरी ऑल टाइम फेवरेट है. आई वॉज एक्चुअली वेटिंग कि मेरी जो बाकी की हैंड क्रीम्स हैं वो सारी ख़त्म हो जाएँ. दिस इज़ हाउ द ट्यूब लुक्स लाइक. एंड इसकी खुशबू आपको मदहोश कर देती है. इट इज़ सो ब्यूटिफुल एंड इट लिंगर्स ऑन योर बॉडी लाइक ऑन योर हैंड्स. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड कॉफ़ी इन एनी फॉर्म आई लाइक. सो हैंड क्रीम वाई नॉट. वेरी नाइस एंड मॉइस्चराइजिंग भी है. एक्सट्रीम मॉइस्चर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते इससे बट इट्स रियली गुड. चिपचिपा तो किसको पसंद है. आई ऑल्सो पिक्ड अप M-Caffeine का नेकेड एंड रॉ कॉफी पाउडर सनस्क्रीन. नाउ दिस वॉज क्वाइट न्यू फॉर मी. एंड ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मेकअप के ऊपर सनस्क्रीन को कैसे रीअप्लाई करना है. बिकॉज आई सजेस्ट दिस ऑल द टाइम. सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वे आप अपने मेकअप के ऊपर बस सनस्क्रीन को टचअप कर सकते हो. अमेजिंग. सो ये कुछ इस तरीके का पाउडर सनस्क्रीन है. इसमें आपको SPF 50 मिल जाता है. एंड यू ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ ब्रश जो कि आप अपने मेकअप पे यूज़ कर सकते हो. लवली इट इज़ जस्ट दैट पैकेजिंग थोड़ी सी मैसी सी आई थी. इसकी पाउडर खुला हुआ था इधर उधर. M-Caffeine के प्रोडक्ट्स के साथ में हमेशा ये अच्छा लगता है कि वो फ्रीबीज ऐसे गिफ्ट गुडीज कुछ तो दे ही देते हैं. सो दिस टाइम आई हैव रिसीव्ड देयर मिनी कॉफी बॉडी स्क्रब देयर कॉफी फेस वॉश एंड देयर कॉफी फेस स्क्रब. सो दिस काइंड ऑफ किट इज क्वाइट हेल्पफुल. अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप इसको इजीली कैरी करके लेके जा सकते हो. बिकॉज फेस वॉश इन जनरल मैं कैरी करना पसंद करती हूँ और स्क्रबिंग वगैरह करने का तो मजा ही कुछ अलग आएगा है ना. I've also received this pouch from M-Caffeine. Lovely. और ट्रैवल के टाइम पे अगेन इट्स going to be very useful. You guys know I love this product. बट नॉट द खुशबू. आई एम टॉकिंग अबाउट दी अदर वेरियंट विच इज मैकेडेमिया. और इस बार मैंने ये वाला भी ट्राई करने का सोचा था. सो ये है डव का एक्सफोलिएटिंग बॉडी पॉलिश इन द वेरियंट पोमोग्रेनेट सीड्स एंड शेयर बटर. नाउ दिस स्मेल्स लाइक हेवन. ओह माई गॉड. द खुशबू इज समवेयर क्लोज टू रोज. Oh wow, it's lovely, it's quite fresh और इसको use करने में बहुत मज़ा आएगा. The only difference जो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा runny है as compared to the other one. और उस वाले पे ज़्यादा अच्छे reviews थे कि किस तरीके का काम करता है. But I had a lovely experience with that. मुझे उसकी खुशबू समझ में नहीं आती. ऐसा लगता है कच्चे चावल लगा रहे हो body पे. So that is why this. Now Sugar ने अभी recently अपनी pop series जो है वो लॉन्च करी है. और इस पर ऑफर चल रहा था buy two get one. So I was like कि चलो ठीक है दो के पैसे दे के हमको एक और फ्री मिल जाएगा. So I picked up their lipstick. Now I'll tell you, जो मैंने इनको स्वॉच किया था पहली बार, I fell in love with the formulation. लेकिन एक disappointment भी है. So it's their Sugar Pop Matte Lip Color. It's in the shade Maple number 18. I love the color combination. कि किसते bright and pretty से pastel color combination है इनके packaging पे. But I don't like this bottle because ये बहुत ज़्यादा सस्ता और बहुत ज़्यादा flimsy और बिल्कुल एलेटिन सॉर्ट ऑफ ब्रांड नहीं होता. कुछ उस तरीके की पैकेजिंग है. एंड इफ आई एम पेइंग समवेयर अराउंड close to 300 rupees, आई एक्सपेक्ट अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ पैकेजिंग ऑल्सो. जो कि मेबलिन और लैक्मे वगैरह के लिपस्टिक में भी आपको मिल जाएगा. बट यू वॉन्ट फेस दिस काइंड ऑफ थिंग. तो मुझे ये बहुत ही ऐसे लो क्लास वाला प्रोडक्ट नहीं होता बिल्कुल वैसा लगा. हाउ एवर द शेड्स आर सो ब्यूटिफुल एंड दिस इज द काइंड ऑफ शेड मैं रेगुलरली इसको लगाती हूँ.
दिस इज नॉट आई एम वेयरिंग ऑन माई लिप्स, आई विल कम टू दैट, ये भी नया वाला है अभी, लेकिन आई लव द शेड, फॉर्मुलेशन इज गुड, लेकिन पैकेजिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता था, इज वॉट ऑल आई हैव टू से अबाउट दिस, लेकिन इनमें कलर्स बहुत प्यारे थे. द सेकेंड शेड दैट आई हैव इज 08 एंड इट्स इन द शेड क्रिम्सन, सो दिस इज हाउ दिस ब्यूटिफुल कलर लुक्स लाइक. सो इट्स, डू यू हियर द साउंड, मतलब इतना ज़्यादा चीप लग रहा है ना, इतना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. अगर आप इसको गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए भी दोगे तभी भी ऐसा लगेगा कि यार 200-300 रुपये वाली तो चीज़ नहीं है, ये डेफिनेटली 25-30 रुपये वाली चीज़ लग रही है. सो आई रियली डोंट लाइक दैट. इसका शेड इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट्स कॉल्ड क्रिम्सन. सो इट इज़ द काइंड ऑफ शेड जो कि आपको फेस्टिवल्स के टाइम पर बहुत ज़्यादा काम आएगा. इट्स वेरी ब्राइट एंड ब्यूटिफुल और लिप्स पे आपके जो टीथ की अपेरेंस है वो भी बहुत ज़्यादा वाइट लगती है. अगर नहीं लगती है तो यू ऑल्सो हैव दिस, यू नो, नो प्रमोशंस. सो यहाँ पर मैंने लिया है लॉन्ग वेयर कॉम्पैक्ट इन दी शेड 02 बेज. सो अगेन लव द पैकेजिंग, लेकिन ये तो फेंकने वाले होते हैं हम, राइट? लव द पैकेजिंग अगैन. इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा. आपको यहाँ पे फुल मिरर भी मिल जाता है, यू हैव दिस एप्लीकेटर ऑल्सो, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लाइक इट्स वेरी स्टिफ, ऐसे लगेगा नहीं, इनफैक्ट जो मेकअप होगा वो शायद उतर जाएगा. शेड इज़ क्वाइट क्लोज टू माई स्किन टोन, तो काफ़ी अच्छा सिलेक्शन था. इसमें आपको 3-4 शेड्स और मिल जाएंगे विच इज़ गुड, लेकिन फिर भी कम है. लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ दिस. शुगर के प्रोडक्ट्स पे मुझे एक और कुछ फ्री गिफ्ट मिला है ना, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री. बट आई नॉट ओपन दिस, आई टेल यू वाई. सो आई रिसीव दिस एवर लास्टिंग मैट लिपस्टिक फ्रॉम देयर शुगर एक्स वंडर वुमेन रेंज. आई हैव एक्चुअली रिसीव्ड उनका ये वाला PR इस रेंज का. सो आई एम नॉट गोना ओपन दिस, आई एम ऑलरेडी क्वाइट फेमिलियर विद द फॉर्मुलेशन एंड द काइंड ऑफ शेड्स दे हैव. सो दिस गोज इन द नेक्स्ट गिव अवे किट. बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द लास्ट गिव अवे एंड कीप पार्टिसिपेटिंग इन द गिव अवेज बिकॉज आई कीप डूइंग. इफ इन केस यू गाइस वॉन्ट टू सी हाउ मच आई लव यू इन अ फॉर्म ऑफ लिपस्टिक, दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक. ये मेरी खूबसूरत बहुत ही प्यारा शेड है जिसको मैं एवरी डे वेयर कर सकती हूँ. द फॉर्मुलेशन एवरीथिंग इज़ नाइस एंड आई एम श्योर आप इस ब्रांड से भी फेमिलियर हो. दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे एंड इट्स देयर एब्सोल्यूट मैट मेल्ट मिनी. और इसका सबसे डिसअपॉइंट जो मुझे करता है सबसे बड़ी चीज़ कि वो ये वाली जो लिपस्टिक है ये बड़े पैकेजिंग में नहीं आती है. आई ट्राइड सर्चिंग फॉर इट लेकिन मुझे नहीं मिला. सो इट्स अवेलेबल ओनली इन दिस साइज एंड इट्स इन द शेड 301 न्यूड अम्ब्रेला. Such lovely everyday sort of shade. और अगर आप मेरे skin tone के हो then definitely आपको भी इससे प्यार हो जाएगा. It is little bit of hints of pink to it जो कि मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है about this. It's not proper nude nude लेकिन बहुत flattering kind of nude if you know what I mean. Swatches are here, I'm sure आपको भी अच्छा लगेगा and it's quite affordable as well. Similar to this shade, I also picked up this lipstick which is from Kiro Beauty and it's their non-stop airy matte liquid lip color. I have to tell you, मैंने ये पहली बार यूज़ किया है एंड आई एम इन लव विद द फॉर्मुलेशन. द वे इट सिट्स ऑन माई लिप्स, द कलर इज सो ब्यूटिफुल एंड मैंने इसमें लिया है सैंडी रोज नंबर 13. सरप्राइजिंगली ये दोनों शेड्स बिल्कुल एक दूसरे के मैचिंग हैं. जस्ट दैट इसमें थोड़ा सा आपको पिंक का हिंट मिलता है, इसमें आपको नहीं मिलेगा. अगर आपकी लाइकिंग थोड़ी सी न्यूड की तरफ है देन दिस इज समथिंग यू शुड डेफिनेटली ट्राई. ये हर स्किन टोन को डेफिनेटली फ्लैटर करने वाला है एंड मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ फॉर श्योर. मेकअप की अगर मैं बात करूँ तो प्राइमर एक इतना इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि आपकी स्किन को फर्दर प्रोटेक्ट करने वाला होता है मेकअप से होने वाले डैमेज से, इफिकेंट से. सो मैंने यहाँ पे एक और प्राइमर थोड़ा सा महंगा वाला लिया है. दिस इज कमिंग फ्रॉम द NYX प्रोफेशनल मेकअप एंड इट्स देयर द मार्शमेलो प्राइमर. दिस इज देयर न्यू लॉन्च एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई कि यार मैं बोर हो गई थी एक्चुअली मेबेलिन के वो वाले प्राइमर्स यूज करके. और ओके, इट्स क्वाइट स्मूथ और ये डेफिनेटली मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देता है स्किन पे. आई एम यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. आई लव द you know shine that it has. I'm not sure ki pores ko kitna zyada blur karne wala hai because I'm using it for the first time on my hand, but I like the finishing kyunki ye winters mein definitely aapki skin ko moisturize bhi karne wali hai. So I love the formulation. ye ek aisa product hai jisko main bahut time se was eyeing on it aur main wait kar rahi thi ki sale aa jayegi tab le lungi, sale aa jayegi tab le lungi, lekin sale aayi lekin is pe iske prices pe koi farak hi nahi aaya. So bahut sari cheeze aise clear bhi hoti hain ki kuch cheezon pe kabhi discount nahi hota, especially the K beauty unke jo kuch shades hote hain na jo kabhi nahi bikte hain shayad unhi pe hi aapko discount milta. अदरवाइज के ब्यूटी प्रोडक्ट्स आर नेवर ऑन डिस्काउंट. सो आई पिक्ड अप देयर के ब्यूटी क्रीम क्रेम 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 ब्लश. इट्स इन द शेड फ्लर्टी न्यूड एंड लुक एट दिस. आई हैव दिस ऑन माई फेस टूडे, आई लव इट. कभी कभी कुछ चीज़ों की ना हाइप समझ में आ जाती है उनको हाथ लगा के छू के और यूज करके कि वाई दे आर सो हाइप्ड एंड वाई दे आर सो गुड, वाई दे आर लाइक रूलिंग द लाइक दिस थिंग जो भी है.
आई लव दिस, इट लुक्स वेरी टाइनी बट इट हैज सो मच इन इट. और ब्लश जो है वो सिर्फ डॉट्स में ही काम आता है, सो इट इज़ वेरी लवली. बहुत ही ब्लेंडेबल था, बहुत ही स्मूथ था एंड वेरी क्रीमी. आई लव दिस. और शेड भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. एल्फ के कैमो कंसीलर्स के बारे में भी मैंने बहुत सारा सुना है एंड दिस टाइम आई पिक्ड अप देयर 16R कैमो कंसीलर एंड इट्स इन द शेड मीडियम पीच. मैंने वहाँ पे शेड कार्ड देखा था, अपना फाउंडेशन पे भी मैच किया था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिया है. बट दिस इज वॉट आई हैव रिसीव्ड. इट्स ऑलमोस्ट 3-4 शेड्स लाइटर टू माई स्किन टोन. और अगर ये हाईलाइटिंग कंसीलर के लिए भी मैं यूज़ करूँ ना, तभी भी ये उतना यू नो नेचुरल नहीं लगेगा मेरी स्किन पे. सो आई एम प्लानिंग टू रिटर्न दिस. हाउएवर मैंने इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था, इट्स गुड. लेकिन जब तक मैं अपने शेड पे नहीं ले लेती ना, तब तक आई डोंट एक्चुअली फॉल इन लव विद द प्रोडक्ट. सो आई हैव टू हैव दिस कंसीलर इन माई शेड, दैट्स वेन आई विल बी एबल टू टेल यू मोर अबाउट दिस कि हाउ डू आई लाइक इट. क्योंकि अभी ये मुझे और ज़्यादा मतलब मुझे देख के ऐसे गुस्सा आ रहा है इस पर कि ऐसे क्यों. सो द अदर प्रोडक्ट आई पिक्ड अप फ्रॉम एल्फ इज देयर डे टू नाइट लिपस्टिक ड्यूओ. इट्स इन द शेड रेड हॉट रेड्स. आई हैव टू से जो पैकेजिंग है इसकी बहुत ज़्यादा गंदी है, डर्टी है. लाइक आई कैन सी सो मच ऑफ डस्ट कि जैसे बहुत सारे यू नो कार्टन में रखा हुआ सामान नहीं होता, स्टैक किया हुआ वैसा सा, तो खराब कंडीशन में है. एंड ऑल्सो देर आर सो मेनी स्टेन्स हेयर. आई एम नॉट श्योर इफ यू गाइस कैन सी, बट मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे इसको लगाते, इसको दिखाते. सो दिस इज हाउ दिस लिपस्टिक लुक्स फ्रॉम द इनसाइड. यहाँ पे क्लियर है और पैकेजिंग में भी एक्सपायरी अभी 2023 की है, सो गुड इनफ. इफ यू लुक एट द पैकेजिंग ना, यहाँ पे डे और नाइट को अलग से स्पेसिफाई कर रखा है. So the day shade is quite bright when it comes to red, and also jo night shade hai wo thoda sa aur zyada deep hai, aur zyada dark hai, which will suit all Indian skin tones. In fact flattering lagega jo deeper skin tones hai un pe. I'm not really sure ki ye kitna long lasting hai because ye transfer proof to bilkul nahi hai, aur ye kitna comfortable hone wala hai because when we get ready for a party we want to not to stress about how our lipstick is going. So I cannot say anything about it. But shades दोनों ही बहुत प्यारे हैं और बहुत ज़्यादा Indian skin tones पे अच्छे लगेंगे और festivals के time पे बहुत use भी आ जाएंगे. अभी तक के सारे products एक तरफ और ये महाराज एक तरफ. I'm talking about the Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter. This product is so raved, it's so hyped. मैंने कहा भाई try करना बनता है. Now सबसे पहले जब ये आया था I was like surprised. मैंने कहा तो foundation है, but no, this is not a foundation. It is kind of a primer mixed with the foundation. Like थोड़ा सा आपको hint दे देता है वो foundation का and देखने पे हल्का सा डार्क लग रहा है, बट दिस मैचेस टू माई स्किन टोन परफेक्टली एंड आई हैव यूज दिस. सो दिस इज़ हाउ द एप्लीकेटर लुक्स लाइक. आई एम श्योर दूर से नहीं दिखेगा बट हाँ. सो इसमें आपको इतना अच्छा, आपको आपके मेकअप को ये बहुत प्यारा सा बेस दे देता है ऑन डेज व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग मेकअप, या आपका प्लान नहीं है मेकअप वेयर करने का, बट यू वॉन्ट योर स्किन टू लुक you know glowy from within. For that purpose you have to try this. But again I would not recommend kyunki mera hi abhi first time hai isko use karne ka. It's not like that ki maine Charlotte Tilbury ke products pehle try nahi kiye hain. I have their lipstick also, again that costed me somewhere around 3000. I bought it during the previous sale for sure. It's good. This is also good, but I think इसको मैं ज़्यादा use कर पाऊँगी and I've saved so much during the sale. Look forward to use this, especially festive glow के लिए बहुत काम आएगा ये. Finally, almost close to 2 years में मैं Laneige का जो lip balm होता है ना, lip sleeping mask, वो जो tub form में आता है, उसको मैं ख़त्म कर पाई and I'm so happy that I could do that. वो सबसे छोटी packaging थी and it took me so long उसको ख़त्म करने के लिए to finish that off. और इस बार मैंने finally उसी variant में ये वाला try किया है. This is their Laneige lip glowy balm and it's in the variant berry. और ये इसके बारे में भी मैंने बहुत सुना है, it is so nice and so comfortable and so moisturizing. Winters में I look forward to use this every single night क्योंकि मुझे उसके साथ में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. Now it's a non-tinted lip balm लेकिन आपके लिप्स को इतना अच्छे से मॉइस्चराइज करता है. I use it around night time only. Worth the money. During this sale elf पे चल रहा था buy one get one, so you could choose like products of same price और थोड़ा ऊपर नीचे भी. so I picked up क्योंकि festivals are around the corner. तो मैंने यहाँ पे लिया है elf का liquid glitter eye shadow. so ये कुछ इस तरीके की packaging में आता है. I love this लेकिन ये थोड़ा सा expensive है if I compare it to the Swiss Beauty one. I can see it क्योंकि मैंने इसको भी restock किया है. I'll come to that. so that is how it looks like. in fact उससे भी छोटा है ये. so it's in the shade disco queen and I love this shade. और अगर आप कुछ और बेस यू नो लगाना चाहते हैं अपने आईलेट्स पे एज आई शेडो बेस, वो लगा के उसके बाद में अगर आपको कुछ सिर्फ ग्लिटर चाहिए ना, क्लियर ग्लिटर, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं. इट्स वेरी नाइस. मैंने इसको उस दिन टेस्ट भी किया था तो काफ़ी अच्छे टाइम तक रहा भी था यू नो उसका स्वॉच. एक और चीज़, इसको आप इंडियन और वेस्टर्न दोनों के साथ में पेयर कर सकते हैं. इट इज़ दैट वर्सटाइल शेड. सो
मैं एक्चुअली इसको यूज़ करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा. अगेन मैंने एक और ग्लिटर ट्राई किया है. दिस इज कमिंग फ्रॉम द ब्रांड इनसाइट एंड इट्स देयर मेटलिस्ट ग्लिटर आई शेडो. सो इसमें आई हैव पिक्ड शेड गैलेक्सी नंबर 10 और ये कुछ इस तरीके का था, समथिंग क्वाइट डिफरेंट. इफ इन अगर हम बात करें ग्लिटर आई शेडोज की, सो इसमें देर आर टू डिफरेंट कलर्स. सो लाइट रिफ्लेक्ट होते ही ना तो ये आपको थोड़ा सा गोल्ड और थोड़ा सा टर्कवाइज और इन सब का मिक्स दिखेगा एंड आप इसको बिल्ड भी कर सकते हैं. आई लाइक द पिगमेंट ऑफ दिस और ये स्मोकी और पार्टी लुक्स करने के लिए डेफिनेटली बहुत काम आने वाला है एंड आई लुक फॉरवर्ड टू यूज दिस बिकॉज दिस इज क्वाइट अफोर्डेबल. इसमें बहुत सारे शेड्स हैं बट ऑल थैंक्स टू नायका. मेरा फर्स्ट ऑर्डर तो उन्होंने दिया नहीं और तब तक बहुत सारे शेड्स चले गए थे इसमें से. सो या लास्टली आई पिक्ड अप शुगर मैटर्स हेल क्रेयॉन लिपस्टिक एंड इट्स इन द शेड 17 ब्रांडी हैरिंगटन. नाउ दिस इज द शेड आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट. मैंने बहुत टाइम से मेरी विशलिस्ट में था. शुगर के प्रोडक्ट्स मुझे वैसे भी बहुत सारे PRs आते रहते हैं एंड आई कीप गेटिंग सम कोड्स जिनके थ्रू मैं शॉपिंग कर सकती हूँ बट आई नेवर हैपन टू बाय दिस वन. सो इस बार मुझे लगा यार चलो ठीक है खुद के लग रहे हैं लेकिन ले तो सकते ही हैं बिफोर इट गेट्स आउट ऑफ स्टॉक. सो इट्स अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल शेड और इनका जो फॉर्मुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. सो दिस इज हाउ दिस शेड लुक्स लाइक ऑन माई स्किन टोन. इट्स गोइंग टू लुक थोड़ा सा ब्राउनिश बट ऑन डीपर इंडियन स्किन टोन ये एज अ न्यूड शेड भी काम करेगा. सो क्वाइट वर्सेटाइल, आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं. इट कैन बी यूज फॉर पार्टी, वेडिंग्स, रिसेप्शन एंड ऑफकोर्स फेस्टिवल्स अकॉर्डिंग टू योर मेकअप. अगर आपका आई मेकअप बहुत ज़्यादा बोल्ड है तो उसको टोन डाउन करने के लिए यू कैन यूज शेड्स लाइक दिस. आई लाइक द शेड वेरी मच एंड आई लव द फॉर्मुलेशन ऑलरेडी. So, मुझे ये लेना ही था. एवरी टाइम यू बाय द क्रेयॉन ना यू विल गेट दिस शार्पनर फॉर फ्री सो यू डोंट हैव टू स्ट्रेस कि इसको छीलना कैसे. सो आई गॉट दिस जानवी कपूर का सिग्नेचर वाला यहाँ पे ये पाउच. इट हैज रिटर्न नायका ओवर हियर एंड लास्टली आई ऑल्सो हैव दिस नायका नेचुरल्स रीटैन शिकाकाई शैम्पू इन दिस मिनी वेरियंट. मैं इसको डेफिनेटली शैम्पू तो मिल ही जाता है जहाँ पे भी यू ट्रेवल. सो आई एम गोना कीप इट फॉर द गिव अवे एंड ऑफकोर्स सम अदर आइटम. सो डू पार्टिसिपेट इन द गिव अवेज जब भी मैं अनाउंस करती हूँ तो. एंड या विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज द बॉक्स इज ऑलमोस्ट एम्प्टी. इसमें मेरे बिल के अलावा और कुछ नहीं है. आई विल टेक यू गाइज लीव नाउ और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए हैं लेट मी नो इफ दे आर यूजफुल फॉर यू. आई एम श्योर अभी तक नायका हॉल इतने सारे देख लिए होंगे कि दिस वॉज नथिंग न्यू बट या आई लव दिस ओवरऑल. बट मेरा एक्सपीरियंस जो खराब था वो मैंने आपको बता दिया एट द बिगिनिंग. सो सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन खुद को ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए. आज का ये सेटअप और आज का ये मेरा रूप और आज का ये मेरा लुक कैसा लगा कॉमेंट्स में मैंशन करिए और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच.